हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द गम ड्रॉप अफेयर बाय राल्फ यहायस टेक्स्ट का पार्ट फिफ्थ। इससे पहले हमने पार्ट फोर जो है डिस्कस कर लिए, चार पार्ट्स डिस्कस कर लिए, वो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो चार पार्ट्स मिल जाएंगे और ये पार्ट फिफ्थ है। इसमें हम ये लास्ट पार्ट है उसका, इस टेक्स्ट का। इसमें हम कंक्लूड करेंगे पूरे टेक्स्ट को। वीडियो को एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो बनेगी। बारनबास शूक हिज हैंड एंड दे बोथ ग्रिंड। बारनबास को जब पता लगा कि ये बंदा अपने डिपार्टमेंट का है और उसको पता लगा कि ये फ्रैंक गुथरी जो है ये अपने डिपार्टमेंट, ये मेरे को टेस्ट करने आया था, डिपार्टमेंट ने इसको मेरे को टेस्ट करने के लिए भेजा था। डिपार्टमेंट ने क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था कि वो उसको टेस्ट करे। किसको टेस्ट करे? बारनबास की एबिलिटी, करेज और लॉयल्टी को टेस्ट करे, चेक करे कि वो सही बंदा है ना। द बार बार बिट वॉज जस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट, गुथरी सेड। बोलता है गुथरी, जो बोलता है, किसको बोलता है? बारनबास को बोलता है, जो तेरे को मैंने बोला था बार बार, ये बार बार बोलना ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए था, जरा क्या है, ऐसे असली में तो बार बार नहीं है, बार बार जैसा नहीं लगता है। टू मेक यू बिलीव द होल एक्ट, आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि भाई मैं मतलब ऐसा हूँ, मतलब टेस्ट करने के लिए मैंने बोला था, ठीक है, ये टेस्ट करने के लिए बोला था आपको। तो बोलता है बारनबास, डोंट अपोलोजाइज, बारनबास सेड। बारनबास बोलता है कोई माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। I do look like a barber। हाँ, मैं barber की तरह दिखता हूँ, कोई इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं barber की तरह दिखता हूँ। कौन बोलता है ये? बारनबास बोलता है फ्रैंक गुथरी को। अब वो फ्रैंक गुथरी है कौन? ब्रैंड थॉम्पसन का नाम असली अब पता चल गया ना हमें, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसका नाम क्या है, अब फ्रैंक गुथरी है। फ्रैंक FRANKGUTHRIE, ठीक है। He pulled the paper bag out of his pocket, looked inside curiously, then glanced at अब एट फ्रैंक गुथरी। उसने क्या किया, पेपर उठाया, बैग वाला पेपर उठाया और उसमें देखने लगा आराम से। और किसकी तरफ देखने लगा? गुथरी की तरफ देखने लगा। ग्लांस होता है देखना, उसकी तरफ देखने लगा, गुथरी की तरफ। डू यू मीन? यस, गुथरी एडमिट। आपका यही मतलब है कि आप जो टेस्ट करने आए थे? बोलता है हाँ ठीक। फिर जो फ्रैंक गुथरी बोल रहा, हाँ मैं टेस्ट करने के लिए आया था आपको, ठीक है। बारनबास टुक अ सॉफ्ट सुगरी लंप आउट ऑफ द बैग एंड पॉप्ड इट इन टू हिज माउथ। बारनबास ने वो उठाया जो शुगर कोटेड था ना, वो मैसेज जैसे, ये सब क्या था? असली में मैसेज नहीं था, ये असली में उसको टेस्ट करने के लिए था। किसको? फ्रैंक, जो ये बारनबास है उसका टेस्ट करने के लिए, उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए। उसने वो लंप उठाया जो मैंने बोला था कि वो गम ड्रॉप जैसा था ना, वो जैसे सेंटर फ्रूट चिंगम जैसा था, तो उसको उठाया उसने माउथ में डाला। किसने? इसने डाला, बारनबास ने माउथ में डाला। ही बिट डाउन ऑन इट, वो उसको चबाने लगा। इट वॉज लेमन एंड डिलीशियस, वो लेमन का फ्लेवर, लेमन मतलब नींबू, लेमन फ्लेवर। ये तो आपको आता होगा, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मैं इतनी बारीकली से इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे वीक होंगे उनको भी समझ आए, सबको समझ आए। वैसे मुझे पता है आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट हैं, आप सब इनको जानते, आप सब चीज़ को जानते हो, तो मगर तब भी मैं आपको जो है, मतलब जो आपको नहीं आता हो उसमें, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप, मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, लेमैन लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, सिंपल से सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आप सबको समझ आएगी, ठीक है। वो लेमन जो क्या था, डिलीशियस था, वो मतलब जो गम ड्रॉप था डिलीशियस था, मीठा था, बहुत टेस्टी था, ठीक है। ये हमने ये पढ़ा, तो असली में ये क्या है स्टोरी? ये पूरा जो गम ड्रॉप है एक्सप्लोजिव बारनबास के पास आया, बारनबास ने ब्रैंड थॉम्पसन के पास पहुँचाना था, बाद में जो लड़ाई हुई उनकी, ये सब क्या था? ये सीक्रेट जो डिपार्टमेंट था वो उस पे टेस्ट कर रहा था। किस पे टेस्ट कर रहा था? ये बारनबास की लॉयल्टी को चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए था, ठीक है। क्यों चेक कर, व्हाई द डिपार्टमेंट वांटेड टू चेक द एबिलिटी एंड लॉयल्टी ऑफ बारनबास? व्हाई? बिकॉज बारनबास वाज गेटिंग बाल्ड, बाल्ड मतलब उसको जो है सिर में बाल निकल रहे हैं, और एंड वाज ओवर 40, ही वाज गेटिंग ओल्ड, वो बूढ़ा हो रहा था, 40 एज से अबो था। इसलिए सोच रहे थे कि अपना ये मतलब ये इंटरेस्ट लूज कर गया है जॉब में, तभी फिर भी टेस्ट करना चाहते थे। एंड द सेकंड रीजन वाज दैट बारनबास वाज नॉट वायलेंट, ही नेवर बिकेम वायलेंट, ही नेवर किल्ड एनी पर्सन, ही नेवर कैरीड लोडेड गन विद हिम, वो अपने साथ लोडेड गन नहीं चलाता था, वो कभी वायलेंट नहीं होता था। ही ऑलवेज कैरीड अनलोडेड गन विद हिम, ही डिडंट वॉन्ट टू किल एनीबडी एक्सेप्ट जूडो। जूडो मतलब मुक्का मारता था या हाथ से करता था लड़ाई, मगर कभी वो जो है किसी को मारने की सलाहियत नहीं रखता था बारनबास। तो इसीलिए डिपार्टमेंट सोचता था क्या पता
क्या पता ये जो है इसने इंटरेस्ट खो दिया है, अब ये काम नहीं करना चाहता इस डिपार्टमेंट में। इस डिपार्टमेंट में बंदा क्या चाहिए, एक्टिव चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, बहुत मतलब शातर दिमाग का चाहिए, तेज दिमाग का चाहिए, है ना। तो उनने सुनने इस पर ट्रस्ट नहीं किया था, बल्कि बाद में सोचने लगा कि इसको हम टेस्ट करेंगे। तो जब टेस्ट किया, इसने अब टेस्ट पास कर लिया है, अब जो है एक अच्छा बंदा है। इससे हमें लेसन क्या मिलता है, लेसन हमें ये मिलता है कभी भी बंदे के अपेयरेंस पे नहीं जाना चाहिए। बंदा बाहर से दिखता कैसे उस पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी आपका जो टीचर आपको पढ़ाता है, आपको उसको मतलब शक्ल नहीं देखनी है, उसका चलने का स्टाइल नहीं देखना है, उसके अंदर जो है वो आपने देखना है, उसमें सलाहियत क्या है, उसमें काबिलियत क्या है। मैं टीचर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी हो, उसमें काबिलियत क्या है, उसमें क्वालिटीज क्या है, उसमें करेक्टर क्या है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, नॉट द अपेयरेंस। यू डोंट हैव टू जज द पर्सन अकॉर्डिंग टू द अपेयरेंस, जो उसकी अपेयरेंस है उससे नहीं, कपड़ों से नहीं, पुराने हैं या नए हैं, ब्रांडेड हैं या अनब्रांडेड हैं, नहीं। कैसे चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी से, उसके करेक्टर से, उसके किरदार से, उसके जो खूबी से, जो उसकी वर्च्यू होता है उसमें, उससे चेक करना है, उसे टेस्ट करना है। वैसे तो जज बनना ही नहीं चाहिए, किसी बंदे को जज करना ही नहीं चाहिए, इट्स फॉल्स, किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर आपने देखना भी कोई अच्छा है बुरा, तो उससे आप करेक्टर से देखना है। ठीक है, तो यही आपने जो है इस स्टोरी में बोलना चाहता है राल्फ हयात बारनबाई के बारे में। बारनबाई वैसा नहीं दिखता था, मगर वो ड्यूटीफुल बंदा था, वो ड्यूटी करता था, और उसकी एबिलिटी भी थी, जब जरूरत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी वो वायलेंट भी हो जाता था। कैसे हो गया वायलेंट भाई, थॉम्सन को गिरा दिया नीचे उसने, है ना, और उसको हैंडकफ्स डाल के तो बांध दिया, और वहाँ वो वहाँ से चला जाता बारनबाई, वो उधर ही सड़ के मरता बेचारा, है ना, समझा रही है। तो इसीलिए कभी कभी जो है वो अपनी जो एग्रेसिवनेस वो आ जाती है बाहर, मगर जो अच्छे बंदे होते हैं वो एग्रेसिव नहीं होते हैं जल्दी, वो जल्दी वायलेंट नहीं होते, वो दिमाग से चीज़ को समझते हैं, वो ऐसे ही पकड़ के किसी को नहीं मारते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही पकड़ के किसी को घसीटते हैं, मारते हैं, मॉब लिंचिंग नहीं करते, जो अच्छे दिमाग, जिनमें रीजनिंग, जिनमें इमोशंस होते हैं, जिनमें दिमाग होता है, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो लोगों को हार्म नहीं करते, लोगों को सताते नहीं हैं, उनको तरस आ जाता है, उनको इमोशंस होते हैं, इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर बंदे में इमोशंस होने चाहिए, अगर इमोशंस नहीं हो तो फिर हम में और मशीन्स में क्या फ़र्क है। मशीन में तो इमोशन नहीं है, अगर मशीन के नीचे कुछ बंदे मशीन किसी को मारेगी तो उसको रोना तो नहीं आएगा, मगर जो इंसान होता है उसमें इमोशंस होते हैं, इमोशंस होने चाहिए, किसी पे तरस करना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, पैथेटिक होना मतलब जो है मतलब दूसरे पे संपत्ति रखना चाहिए, इंसान के प्रति संपत्ति रखना चाहिए, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, चाहे जो भी इंसान हो। ठीक है, जो भी इंसान, इंसानियत इंसान में होनी चाहिए, इंसानियत जिसको बोलते हैं, यही इस लेसन में जो है पढ़ाया गया है, समझाया गया है। मेरा फर्ज बनता है आपको जो है इसका मॉरल लेसन भी देना, ये लेसन किसके बारे में है, ये लेसन बोलना क्या चाहता है। ठीक है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, मैं इस लेसन के जो है माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान को इमोशंस होने चाहिए। ठीक है, इमोशनल होना चाहिए, जब भी कोई गलत हो रहा है उस पे इमोशनल होना चाहिए। अगर वही ना, पहले हाथ से रुकाना चाहिए, अगर गलत हो रहा है हाथ से नहीं जबान से बोलना चाहिए, जबान से नहीं कम से कम दिल से सोचना चाहिए, भाई गलत हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत मतलब किसी को इनजस्टिस हो, कहीं इंसाफ हो, कहीं करप्शन हो, कहीं गलत, कहीं किसी बेवजह किसी पे मार, किसी को मार पड़े, तो आपको गलत समझ, गलत को गलत बोलना है, समझना है, ना कि डिप्लोमेट बनना है। ठीक है, थैंक यू, आप ये लास्ट वीडियो थी, इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।